40% से और भी बहुत कम। राहुल गांधी 15 मिनट 42 सेकंड बोले मणिपुर पर, उनका सदन में वक्तव्य 15 मिनट 42 सेकंड का था, उसमें से 11 मिनट 8 सेकंड कैमरा ओम बिरला स्पीकर को दिखाता रहा, यही संसद टीवी का कैमरा, और मात्र 4 मिनट राहुल गांधी जी को दिखाया। 71% टाइम पर कैमरा ओम बिरला पर था। ये क्या मतलब है? आप क्या छुपा रहे थे? आपने क्यों नहीं राहुल जी को दिखाया? राहुल जी ने बड़ी बड़ी बातें कही, मणिपुर पर बात कही कि वहां पर लोगों की हत्या हुई है, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, सेना का प्रयोग नहीं कर रही, मणिपुर में असम राइफल और मणिपुर पुलिस में FIR हो रही है, सरकार पता नहीं किसको बचाने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी ने 3 और तस्वीरें दिखाई थी और आपके कैमरा पर मैं वो फोटो दिखाना चाहती हूँ। एक है ये अडानी के जहाज में मोदी जी की फोटो, उसके बाद दूसरी फोटो है आराम से नौश फरमा रहे मोदी जी अडानी के हवाई जहाज में, तीसरी फोटो है अडानी का भारत में कहां कहां व्यापार बढ़ा मोदी जी के आ जाने के बाद। ये सारी अपने आप में बड़ी बातें, इसको क्यों नहीं दिखाया गया? 71% टाइम पर ओम बिरला को देख रहे थे, विपक्ष का सांसद और सबसे मजबूत आवाज बोलेगी, ये किस तरह की ये लुच्चई है, ये गलीचपना है, इसको क्या कहा जाए? ये कुछ नहीं है, ये तानाशाह, एक कायर तानाशाह का डर है। मैम, राहुल गांधी ने जब बयान दिया उसके बाद स्मृति ईरानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है, आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, हर वक्त मुद्दे से बरगलाने की, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। दम है तो मणिपुर पर बात करिए। बेवकूफी का आपने वहां पर भाषण दिया और अभी फैक्ट चेक करूंगी मैं और बताऊंगी कैसे आप VP सिंह की सरकार में शामिल थे, समर्थन दे रहे थे, जिन वाक्यों को आपने गिनाया तब आपके लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? आज आप क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करती है, किस मुंह से बात करती है क्विट इंडिया मूवमेंट की? जिस दिन महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का आह्वान किया था, मौलाना आजाद हमारे अध्यक्ष, नेहरू, पटेल, आजाद, गांधी गिरफ्तार हुए आज के दिन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखकर बोला था कैसे उस आंदोलन को कुचला जाना चाहिए, मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चला रहे थे। इनको क्या लगता है इनके झूठे आक्रोश से इतिहास बदल जाएगा? स्मृति ईरानी अपनी बेकार की बातें बंद करें। 78 दिन तक जो बोल नहीं पाया उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सदन में बोलने का। स्मृति ईरानी एक औरत के नाम पर भी धब्बा है, मंत्री होने के नाम पर तो धब्बा है ही। क्या है भारत माता? क्या भारत माता पेड़, पल्लव, नदी, नाले, पहाड़, मैदान यही है? भारत माता इस देश की जनता है, इस देश के लोग हैं, इस देश के वो नागरिक हैं जो इस देश को अपनी माँ कहते हैं, और 160 वो नागरिक मार डाले गए हैं मणिपुर में। 160 से नागरिक मारे गए, 60,000 से ज्यादा वो नागरिक विस्थापित हैं। हर व्यक्ति में भारत माता है, मेरे में भी भारत माता है, आप में भी भारत माता है। अगर आपकी, आपके समुदाय विशेष की वजह से हत्या होती है तो भारत माता की हत्या है, वो गलत है। और अगर भारत माँ में आर्मी और पुलिस के बीच में लड़ाई मची है तो और क्या खंडन होगा? आप दो समुदायों को आमने सामने आज खड़ा नहीं कर सकते मणिपुर में। एक भारत की बात करते थे, दो मणिपुर के टुकड़े कर दिए हैं। इस देश के टुकड़े करने वाले नरेंद्र मोदी और इनके ये बेशर्म मंत्री हैं। तो मेरे सवालों के लायक नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ प्रचारित करती हैं। इतनी उनकी बुद्धि नहीं कि सवाल का जवाब दे पाएंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने पूछ लिया है तो मैं एक उनसे सवाल रख देती हूँ। स्मृति ईरानी ये बता दे, 370 आपने हटा दिया, आपने जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए, आपने उनको राज्य का दर्जा हटा दिया, क्या कश्मीरी पंडितों की हत्या बंद हुई है? और जब कश्मीरी पंडितों की गिन गिन कर हत्या करी जा रही है, चाहे वो स्कूल की एक अध्यापिका हो, चाहे वो बैंक में काम करने वाला राहुल भट्ट हो, जब हत्या होती है तो आपकी सरकार क्या करती है? आप करंट के तार से लोगों को करंट लगाते हैं क्योंकि वो प्रोटेस्ट करते हैं, आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उन पर लाठियां बरसाते हैं। 3.5 महीने से कश्मीरी पंडित यहां पर बैठे हैं सरकार से बात करने के लिए। स्मृति ईरानी की सरकार के पास वक्त नहीं है बात करने का।